नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 39 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन और ये जानना चाहते हैं कि ये क्या जीवन में मिलेनियर बन पाएंगे, करियर, हेल्थ, वेल्थ कैसी रहने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं इनका पाम क्या बताता है। अब इनके हाथ में देखें तो इनका पिंक और हल्का ब्राउन कलर का पाम है। पिंक और ब्राउन कलर के पाम की खास बात होती है कि जीवन में उन्नति तो जरूर मिलती है परंतु थोड़ी देरी से मिलती है। जीवन में जो भाग्योदय का समय होता है लाइफ में वो थोड़ा देरी से शुरू होता है। और हैंड भी इनका स्क्वायर्ड है, ये देखिए स्क्वायर्ड हैंड है। स्क्वायर्ड हैंड की खास बात होती है एज के साथ साथ तरक्की करते हैं ऐसे लोग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तरक्की भी बढ़ती जाती है। इनकी अगर मैं तरक्की का टाइम पीरियड भी मैं देखती हूँ, देखिए यहाँ पर हाथ में एक तो सबसे अच्छी बात ये कि देखिए एम का चिन्ह काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ है, बहुत बढ़िया एम का चिन्ह बन रहा है। एम का चिन्ह चार मुख्य रेखाओं से बनता है, देखिए मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा, जीवन रेखा। तो इंसान अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करता है। मस्तिष्क रेखा देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी मस्तिष्क रेखा है, हाथ में एक जगह से स्टार्ट हो रही है दूसरी जगह एंड हो रही है, तो मस्तिष्क रेखा काफ़ी शार्प है, अपने माइंड को खूब यूटिलाइज करते होंगे। और भाग्य रेखा सपोर्ट करती है, हृदय खुश रहने लगता है और जीवन भी सुखमय हो जाता है। इनके हाथ में यहाँ पर ये देखिए बड़ा अच्छी ये मंगल रेखा ये साथ साथ चल रही है। जीवन में किसी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोटेक्शन, जीवन में चलना और काफ़ी लंबे समय तक चलना, ऐसा लगता है कि 65 इयर्स तक काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जीवन में चलता रहेगा, बल्कि मैं कहूँगी 70 तक किसी का बहुत बढ़िया सपोर्ट जीवन में दिखता है। तो ऐसी प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जो आपको कदम कदम पे सपोर्ट करना या आपको एक प्रोटेक्शन मिलना गॉड की तरफ से, ये चीज़ दिखती है। हाथ में अगर मैं देखूं यहाँ पर जो इनका प्रश्न था कि समय के की तरक्की के बारे में, मिलेनियर बनने के बारे में, इनका समय अब शुरू हुआ है आना। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं भाग्य रेखा को यहाँ से देख के चलूँ तो ये जो है बहुत डार्क हो रही है, गहरी हो रही है और देर से भी शुरू हो रही है। तो जीवन में जैसे कहना चाहिए कि अच्छा खासा स्ट्रगल का समय भी इन्होंने देखा होगा और 39 इयर्स की एज है, तो ये मैं बोलूँगी इनको 20s में, खास तौर से 23-24 के बाद से बहुत स्ट्रगल देखना। पहले भी स्ट्रगल देखा लेकिन खुद अपने बलबूते पर स्ट्रगल करना, लेकिन काम धीरे धीरे बने। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये लाइन और शार्प होती जा रही है, ये देखिए थोड़ी हल्की है लेकिन फाइन है। देखिए यहाँ पर एक कट भी दिख रहा है, लाइफ में चेंजेस आना और उसके बाद ये इस तरह से चलना, यहाँ पर फिर 52-53 के आसपास चेंज आना, इस तरह से भाग्य रेखा का चलना। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाती कि अब ये फाइन हो गई है लाइन, ये देखिए इसमें रेडनेस आ रही है, गड्ढेदार सी होना, ये तो ये स्ट्रगल दिखा रही थी लेकिन ये फाइन होती जा रही है समय के साथ साथ, फाइन होते जाना। तो ये अब समय इनका आता जा रहा है, धीरे धीरे साल डेढ़ साल में काफ़ी अच्छा राइज करने लगेंगे, काफ़ी और ज़्यादा समय बढ़िया हो जाएगा। मिलेनियर की इन्होंने बात करी है, मिलेनियर बन जाएंगे ज़रूर और काफ़ी आगे तक भी जाएंगे। मिलेनियर यानी कि जैसे 10 लाख रुपये से ऊपर हो जाए तो इंसान मिलेनियर कहलाता है कि 10 लाख रुपये को 1 मिलियन बनता है, लेकिन इनके किस्मत में और भी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा है, ये काफ़ी अच्छा है, ये 50 लाख रुपए तक और उससे भी ज़्यादा ऊपर तक ये जाएंगे, ये काफ़ी बढ़िया कर ले जाएंगे। तो इनका देखा जाए और 52-53 के बाद से जो इनकी रेखा की सिचुएशन है तो ये इनको काफ़ी और आगे ह्यूज लेवल पे भी पहुँचाएगी। अब चलते हैं इनके हाथ में, यहाँ पर देखें तो करियर भी इनका बढ़िया रहने वाला है। देखिए यहाँ पर लाइन में तो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक हल्का सा कट है, कोई चेंज को दर्शाता है, जैसे 39-40 के आसपास, उसके बाद रेखा स्मूथ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई कट वगैरह कुछ है नहीं इनके हाथ में, ये खास बात है इनके। अब इनके हाथ में आते हैं और चीज़ों की ओर, देखते हैं रेखाएँ और क्या क्या बता रही हैं। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, हेल्थ इश्यूज कैसे रहने वाले हैं। हाथ में देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में मुझे दिखाई पड़ा ये भाग्य जो जीवन रेखा है यहाँ से चली और ये बीच में गायब सी है, ये देखिए बहुत हल्का एकदम, यहाँ पर देखें ये एक हल्की सी लाइन एडजॉइन कर रही है, बिल्कुल बहुत हल्की सी, फिर उसके बाद ही गहरी हो रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य की दिक्कत इन्हें इस समय चल रही होगी, इनको पिछले 3-4 साल से, जैसे 2-3 साल से हम कह सकते हैं 3-4 साल से स्वास्थ्य की दिक्कत चलना, परेशानियां चलना, थोड़ा सा हाथ में देखते हैं वात पित्त बढ़ा हुआ होना, ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है। अगर मैं देखूं आगे जाके
फिर भी थोड़ा बेटर समय मुझे दिखता है, लेकिन फिर भी इनको अपनी बीमारी के लिए इलाज कराते रहना पड़ेगा और जिससे कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाए। थोड़ा सा ये समय दिखाता है, ये देखिए गड्ढेदार रेखा है, वर्कलोड बढ़ना, जैसे कि हमने भाग्य रेखा में देखा था कि यहाँ पे समय बेटर होता जा रहा है, फाइन हो रही है रेखा, तो ये वर्कलोड बढ़ा रही है, इंसान का बिजी हो जाना, इंसान के जीवन में इतना काम आना कि हाँ कि अब मैं खाली समय नहीं मिलता मुझे, या थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाने की वजह से टेंशन चिंताएँ भी लेना, ये सब चीज़ें जो कि अच्छा भी माना जाता है, इंसान के पास काम होगा तभी जीवन में उन्नति भी आती है, तो ये थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत इस समय दिखाती है। अब इनके हाथ में ये देखिए हमने देखा कि स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों में थोड़ा सा सुधार होता जाएगा और आगे उम्र के साथ भी सुधार होगा, लेकिन ये समय पिछला थोड़ा सा दिक्कत देगा। मस्तिष्क रेखा पर आते हैं, देखिए मस्तिष्क रेखा को देखें तो यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है, शुरुआती ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना, ये देखिए ये भी यही चीज़ को दर्शा रहा है, ट्वेंटीज़ में स्ट्रगल करना, अपने बचपन में स्ट्रगल करना, ये देखिए ट्वेंटीज़ में और मतलब एक तरह से 35 तक तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है, ये स्ट्रगल ये, उसके बाद जीवन स्मूथ होने लगा, आगे भी देखें तो जीवन साफ स्वच्छ होता जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जितना भी ख़राब समय था या स्ट्रगल्स थे वो सब अब बीत चुके, आगे बेटरमेंट दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे देखिए भाग्य रेखा में एक रेखा और सपोर्ट करती हुई दिख रही है, कोई ना कोई सपोर्ट और, कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्क, कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बनना, इस तरह की चीज़ें भी जीवन में दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा शुरू हो गया होगा, आगे भी वो उन्नति देने लगेगा, आगे भी वो बहुत सपोर्ट करेगा, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखती हैं। यहाँ पर हाथ में देखिए एक चीज़ और दिखाएंगे, ये सूर्य रेखा का भाग्य रेखा में आके मिलना, कितनी बढ़िया चीज़ है, ये भाग्य रेखा को टच करती है, आके मिलती है, तो ये मान सम्मान उन्नति भी दिलाती है, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती जाएगी, समय बढ़ता जाएगा, मान सम्मान उन्नति भी मिलना, इस तरह की चीज़ें मुझे इनके हाथ में दिख रही हैं। इनकी हृदय रेखा भी मैं अगर देखूं तो अच्छी खासी हृदय रेखा है, यहाँ पर जाकर दोनों पर्वतों के बीच में आके रुक रही है, तो ये चीज़ इंसान को बहुत परोपकारी भी बनाती है, हेल्पफुल नेचर देती है, दोनों पर्वतों का गुण दिलवाती है, भगवान में बिलीव करना और दूसरों के लिए अच्छे कर्म करना, कि अपने हाथ से कोई अच्छा कर्म हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु दूसरे का बुरा मत करो, दूसरे के लिए कोई गलत मत सोचो, इस तरह की भावना होती है इनके अंदर, अगर कुछ अच्छा कर सकते हो ये जो अब मेरे से जो बन पड़ेगा मैं दूसरे की मदद करूँगा, लेकिन दूसरे के साथ बुरा नहीं करूँगा, ऐसे विचार वाले व्यक्ति होते हैं ये लोग। अब इनके हाथ में देखते हैं और क्या क्या हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये इस तरह से ये मनी ट्रायंगल अच्छा खासा इनका बन रहा है, बल्कि मंगल रेखा भी सपोर्ट कर रही है, जीवन रेखा में भी अगर मैं देखूँ तो इस तरह से सपोर्ट, अच्छी इंटरनल पोजीशन बना लेना, बैंक बैलेंस अच्छा बना लेना, ये सब चीज़ें बढ़िया दिख रही हैं, आगे फ्यूचर में इनको कोई दिक्कत पैसे की नहीं दिखाई पड़ती, पैसा ग्रो करेगा इनका। अब इनके हाथ में यहाँ पर देखें, ये देखिए दोनों रेखाओं में ये इस तरह का पैरेलल रेखा टाइम बन, दोनों एकदम सीधी सीधी चल रही हैं, ऐसे लोग दिमाग से काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते हैं, थोड़ा सा इन लोगों के मन में होता है कि कोई भी हर चीज़ को लॉजिक के साथ सोचना, ऐसा होगा तो क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस तरह की चीज़ें ये सोच के चलते हैं, ये ऐसा नहीं कि सामने वाला कह रहा है तो हाँ सब ठीक सही होगा, नहीं, जो वो लॉजिक भी लगाते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा वर्क करना। और इनके अंदर ये भी होता है कि सामने वाले ने कोई बात कही है तो वो किस आधार पर कही, किस बेस पर कही, तो वो उन चीज़ों को समझने की क्षमता इनके अंदर अच्छी देखी जाती है। अब चलते हैं इनके हाथ में, यहाँ पर ये देखिए जीवन का ग्राफ ये इस तरह से, जो एक बार स्ट्रगल शुरू करा यहाँ पर आके, उसके बाद उसकी लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलना, थोड़ा जीवन में शुरुआती स्ट्रगल है लेकिन आगे जीवन में आराम मिलता है ऐसे लोगों को, यही इनकी भाग्य रेखा भी बताती है, इनको इस साल काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इस साल इनको काफ़ी चीज़ों के रिजल्ट्स मिलना, काफ़ी अच्छा पैसा कमाने के मौके मिलना, आगे भी इनको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। अब इनकी अगर उंगली में देखें तो ये उंगली एकदम सीधी खड़ी है, ये देखिए यहाँ पर तो वर्क को बहुत वो देते हैं ये लोग, ऐसे लोग कि वर्क इज़ वर्शिप है, अपने काम को प्रायोरिटी देना, अपने वर्क को प्रायोरिटी देना, ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत अच्छे से देखी जाती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये देखिए दोनों फिंगर बराबर हैं, तो जुपिटर की फिंगर का बराबर होना, सन की फिंगर बराबर होना, यानी कि इंसान अपनी टैलेंट अपनी स्किल्स के बेस पे आगे बढ़ता है, ये नहीं कि आपको कोई पकी पकाई रोटी मिल गई तो एकदम सब कुछ एकदम प्लेट में लगा हुआ मिल गया और सब बढ़िया हो गया, नहीं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं।
ये छोटी उंगली फर्स्ट फैलेज तक पहुंच रही है। ऐसे में इंसान टैक्टफुल भी होता है, सामने वाले से कब क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे कन्विंस करना है, ये सब गुण उसके अंदर बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। कोई भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं, देर लगाते हैं कि नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है, ये सब चीज़ों का पूरा एक एनालिसिस बना के तब जीवन में आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ को बारीकी से एनालाइज करने की क्षमता भी होती है, रिसर्च करना, क्या ये मेरे लिए बेटर है क्या मेरे लिए बेटर नहीं है, इस तरह की चीज़ें। अब चलते हैं इनके हैंड में फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जुपिटर के फिंगर पर इस तरह का टेंटेड आर्च है। जब भी इस तरह का टेंटेड आर्च होता है इंसान अपने जीवन में ये कहना चाहिए उतार चढ़ाव बहुत देखता है। कई बार होता है अपनी फील्ड से अलग हट के काम करना पड़ता है, कई बार होता है कि इंसान जो जीवन में चाहता है जिस तरह के उसके थॉट्स होते हैं उससे अलग चल के काम करना पड़ता है, कई बार मन चाही चीज़ें नहीं होती जीवन में। होता क्या है कि आपके लोग आपको दबाते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं मैं जो चाहता हूँ वो करो, तो उसी तरह से आपको चलना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जीवन में आती हैं। परंतु फिर भी ये अपने अच्छे व्यवहार के कारण, अपने नम्र व्यवहार, अपने सॉफ्ट नेचर के कारण जीवन में उन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शनि पर्वत पर देखें तो यहाँ पर भी हमें एक ये टेंटेड आर्च दिखता है। जब भी शनि पर्वत पर टेंटेड आर्च होता है जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आना, बार बार प्रॉब्लम्स का आना, ऐसा लगता है काम रुक रुक के बन रहा है, धीमे बन रहा है, काम बनने में इतनी परेशानी हो रही है, ऐसा लगता है काम का जब एंड आने लगता है तभी सब चीज़ एकदम डिस्टर्ब होने लगती है, ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं। लेकिन फिर भी ये अपनी समझदारी से उस प्रॉब्लम से लेसन लेते हैं और फिर उसी चीज़ को अपनी ग्रोथ बना के, अपनी क्वालिटी बनाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो ये इस तरह का उन्नल लूप है, ये देखिए शनि सूर्य की फिंगर पर। जब भी सूर्य की फिंगर पर इस तरह का उन्नल लूप होता है इंसान के मन में होता क्या है कि मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, और उस चीज़ों को पूरा करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, डिटर्मिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। इनको होता है कि नहीं मुझे करके दिखाना है, मैं क्यों नहीं कर सकता। इनके अंदर एक होता है कि सूर्य के गुण जो होते हैं इनको फोर्स करते हैं बार बार, मुझे नेम फेम पाना है, मुझे सक्सेस पानी है, मैं और क्या ऐसा करूं, इस तरह की चीज़ें ये चिन्ह बताता है। और ये उन्हें लूप इनको जीवन में सक्सेसफुल भी बनाता है, देरी से बनाता है, बस इसका थोड़ा सा ये चीज़ होती है थोड़ा देर लगती है, लेकिन जब ये 60 ईयर्स के आसपास पहुँचते हैं तो इनको वाकई में अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि नहीं मैं जो मैं चाहता था वो मैं कर पाया, मैंने आज से 30 साल पहले 40 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन आज मैं बहुत कुछ अच्छे लेवल पर पहुँच गया हूँ, बहुत मैं आगे तक गया हूँ। अब देखिए ये इस तरह का उन्नल लूप है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्विक मनी बनाने का जो सिस्टम होता है वो दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान बनता है, ऐसे लोगों को नुकसान होता है। कभी किसी को उधार देते होंगे वो पैसा लौट के नहीं आता होगा। ये देखिए यहाँ पर ये फिंगर थोड़ी सी गोल है, सेल्स मार्केटिंग में अच्छे होना, चीज़ों को बेचने में, बात करने में समझदारी से बात करना, ये चीज़ मुझे दिखती है। एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पर ये छोटा सा गैप झरों का, ये देखिए ये इस तरह से गैप बनना, ये बताता है कि खर्चीले स्वभाव का इंसान होना, इंसान के खर्चे काफ़ी होते हैं। होता क्या है कि जैसे ही पैसे आए तो तरह तरह के 3-4 खर्चे इनके सिर पे आके खड़े हो जाते होंगे, जिसकी वजह से इनकी थोड़ी सेविंग्स कम हो पाती होगी। ऐसा होता होगा बार बार खर्चों का आना, अननेसेसरी खर्चों का आना, ये सब चीज़ें भी दिखाई पड़ती हैं। ये फिंगर थोड़ा सा, ये देखिए गैप ज़्यादा है, तो कई बार होता है कि इंसान की सोच थोड़ी दुनिया से अलग हटके सोच होती है, थोड़ा सा अलग होता है कि समाज से अलग हटके सोचना, दुनिया से अलग हटके सोचना, थोड़ा सा ये चीज़ दिखती है कि क्या, या आप कई बार कोई चीज़ें घर परिवार से अलग रह के करना चाहते हैं कि मुझे कुछ अलग करना है, डिफरेंट करना है, इस तरह की चीज़ें का ख्याल मन में दिखता है। अब आते हैं इनके थंब प्रिंट की ओर कि देखें थंब पे क्या प्रिंट मिलता है हमें। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस तरह का उन्नल लूप है, जब भी इस तरह का उन्नल लूप होता है इंसान अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, अपनी फैमिली से बहुत लव, केयर, अफेक्शन शो करना, अपनी फैमिली के टुवर्ड्स डिवोटेड रहना, विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ये देखिए यहाँ पर ये यव का चिन्ह भी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी इनका अच्छा है। यहाँ पर ये यव का चिन्ह इंसान को एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाता है, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना, पेरेंट्स की इज्जत करना, उनकी ख्याल रखना, ये सब चीज़ें, उनकी तरफ डेडिकेशन दिखाना। और साथ में इनके अंदर होता है कि मैं जो है जो भी इनके ड्रीम्स होते हैं वो ड्रीम्स भी फुलफ़िल कर पाते हैं,
इनको लगता है कि जो जो मेरे मन में इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी नहीं होंगी, लेकिन ये अपने सारे ड्रीम्स एक एक करके फुलफिल करते जाते हैं जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है। अब ये देखिए इनके हाथ में ये थंब जो है पीछे की ओर काफ़ी इंक्लाइंड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पीछे की ओर मुड़ रहा है ये। जब भी पीछे की ओर ज़्यादा मुड़ता है थंब, इंसान बहुत फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, सबका मन रखना, जैसे मैंने कहा फैमिली ओरिएंटेड होना, फैमिली इंक्लाइंड होना इनके अंदर होता है कि अगर मेरे बच्चे ने कोई बात कह दी है तो मैं ज़रूर करूँगा, अरे मेरे बच्चे का मन है टूटना नहीं चाहिए, मन नहीं दुखना चाहिए, मेरी माँ का अगर किसी चीज़ का मन है तो मन नहीं दुखना चाहिए, इस तरह से अपने भाई बहनों के लिए सबके लिए जो ज़रा सा एक बार कह देगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मेरी ये मदद कर दो, फ़ौरन उसका मन रखने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे लोग। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड पर, लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स देखते हैं क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम हमें यही टेंटेड आर्च राइट हैंड की तरह देखने को मिलता है, तो यानी कि सबका मन रखना, सबके बीच में रह के अपने परिवार की तरफ इंक्लाइंड रहना, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। और सोशल वर्क में इनका काफ़ी ध्यान होता है कि मैं सोशल वर्क करूं, मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं, सोशलाइजिंग का बहुत शौक होना, सबसे मिलना जुलना, मेल जोल बढ़ा के रखना, ये सब चीज़ें इनके अंदर बहुत देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी टेंटेड आर्च है जीवन में, देखिए जैसे हमने बताया था प्रॉब्लम्स को, राइट हैंड में भी देखा था प्रॉब्लम्स होती हैं कि बार बार आना, प्रॉब्लम काम धीरे धीरे बनना, काम रुक रुक के बनना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है जीवन में काफ़ी नीचे से, काफ़ी एकदम ज़ीरो से जीवन शुरू करना, ये चीज़ दिखती है कि अपनी लाइफ में जो भी आज तक के बने होंगे बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना पड़ा होगा। यहाँ पर देखें सूर्य के फिंगर पर हमें दिखता है इस तरह का हमें उल्टा लूप, तो ये जैसे हमने राइट हैंड में भी सेम यही चीज़ देखी थी राइट हैंड में, तो ऐसे में इंसान जीवन में थोड़ा देरी से सक्सेस मिलती है 35 to 40 के बाद, तो ऐसे में लेकिन सक्सेस जीवन में बहुत अच्छी पाते हैं और अपने आप को अपने समाज में मान प्रतिष्ठा पाना, समाज में मान सम्मान मिलना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए ये एक नेगेटिव लाइन यहाँ पर है, ये होता है कि आपके आसपास किसी तरह की पॉलिटिक्स चलना, आपके आसपास लोग आपको एक होता क्या है कि जो कोई आपने गलती नहीं करी उसका भी इल्ज़ाम आपके ऊपर आना, और जो जब कभी तारीफ का काम किया तो तारीफ़ नहीं मिलती, तारीफ दूसरे ले जाते हैं, ये चीज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे में सूर्य को जल देना चाहिए तो ये सब जो नेगेटिव लाइन होती है वो दूर हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह का उल्टा लूप है, तो ऐसे में कई बार होता है ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत का खाते हैं, ऐसे लोग कभी भी इजी मनी नहीं मिलता कि कभी भी आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया एकदम जल्दी से पैसा डबल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता इनके जीवन में, इनको जो भी अब तक कमाया होगा अपनी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से कमाया होगा। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें लेफ्ट हैंड का थंब क्या बताता है। यहाँ पर भी देखें तो सेम इसी तरह उल्टा लूप है, राइट हैंड की तरह से अपनी फैमिली को बहुत प्यार करना, अपनी फैमिली के लिए बहुत डिवोटेड रहना, ये सब चीज़ें, विल पावर अच्छी खासी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है, और ये देखिए ये यव का चिन्ह ये बहुत बढ़िया माना जाता है, इंसान को बहुत तरक्की दिलाता है, बहुत सब विशेष फुलफिल कराना। अगेन थम को देख के मुझे लगता है कि पीछे की ओर इंक्लाइंड वाला थम है ये, ये देखिए ये पीछे की ओर आराम से इंक्लाइंड हो जाएगा ये, तो ये दूसरों की मन रखने की आदत होना। अगर हम इनकी 10 की 10 उंगलियों का समावेश निकालें, समराइज करें, तो हमें इनके हाथ में उन्हें लूप्स और टेंटेड आर्च ज़्यादा मिले। ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत लविंग केयरिंग होते हैं, फैमिली पर्सन होते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग किसी का दुख रोना ये सब नहीं देख पाते, और अगर किसी कोई इनको बोल देता होगा ना कि मैं अभी तुम्हारे पैसे नहीं दे पाऊँगा, बाद में फिर कभी दे दूँगा, अभी मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, ये मेरे घर में मदर बीमार है या मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये फ़ौरन पिघल जाते होंगे, ये इस तरह के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर्ड, बहुत ज़्यादा इमोशनल, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर देखी जाती हैं। हालाँकि टैक्टफुल भी होते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फीलिंग, इमोशंस, फैमिली पर्सन, गॉड बिलीवर, इस तरह के लोग देखे जाते हैं लोग। अब चलते हैं इनके हैंड में माउंट्स की ओर, देखें राइट हैंड के माउंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ गुरु पर्वत बड़ा है, अच्छा खान पीन का शौक होना और किसी ऐसी फैमिली में जन्म लेना जहाँ बड़ा सर्कल होता है, जैसे कि आपके कजन्स काफ़ी होना, आपके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर काफ़ी होना, ये चीज़ दिखती है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ गुरु पर्वत ये फ्लैट है थोड़ा सा, जब भी फ्लैट जब होता है इंसान के मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जीवन में जो रेस्पॉन्स दूसरों से चाहिए वो रेस्पॉन्स का ना मिल पाना होता, क्या आप जितना लव केयर अफेक्शन दूसरों को दिखा रहे हैं उतनी लव केयर अफेक्शन रिटर्न में आपको नहीं मिल रही, थोड़ा सा अकेला अपने आप को महसूस करना। अब देखिए यहाँ पर इस तरह की
एपेक्स की साइन है, अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करना है, ये सब चीज़ें, और एक ही स्क्वायर का साइन भी है। स्क्वायर का साइन बहुत अच्छा माना जाता है। स्क्वायर का साइन जब भी इस तरह के पर्वत पर गुरु के माउंट पर आता है, जुपिटर माउंट पर, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अच्छे कामों की ओर ले जाता है। आपके लाइफ में ऐसे काम आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है जो आपके पुण्य के काम करवाना, आपसे सोशल वर्क करवाना, आपसे अच्छे ऐसे काम कि जो किसी की हेल्प हो जाए आपसे, इस तरह के काम ये करवाता है, और जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अब यहाँ पर देखें हाथ में, अब देखिए शनि माउंट, शनि माउंट इनका अच्छा खासा है, थोड़ा सा फ्लैट है, और अगर मैं देखूं तो जैसे एपेक्स का चिन्ह है तो ये ईश्वर शक्ति का हाथ, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मिलना, ये चीज़ दिखती है। थोड़ा सा दबा होने के कारण कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी टेंशन का चलना, माइंड में फालतू के विचार, अननेसेसरी टेंशन। इनकी देखिए भाग्य रेखा यहाँ से चली और ये होती हुई, और ये कुछ इस तरह से चल रही है, यहाँ से भी एक रेखा ऐसे आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी दे रही है, ये इस पिक्चर में काफ़ी क्लियर है। तो ये तकरीबन 45 के आसपास आपको बड़ा बेनिफिट दिलवाने वाली है, और कोई बड़ा बेनिफिट जो लाइफ लॉन्ग चलेगा, यहाँ से भी ये रेखा है, ये भी बेनिफिट्स आपको दिलवाएगी, इस तरह से बेनिफिट दिल रहा है, मिल रहा है इनको हाथ में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और भाग्य रेखा का जब भी अंत यहाँ पर होता है, यहाँ पर एंड होता है शनि पर्वत पर, तो लाइफ लॉन्ग पैसे चलते हैं, सिर्फ ओल्ड एज लग्जरियस रहती है, ओल्ड एज में पैसे की दिक्कत नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये यहाँ पर, ये या तो यहाँ पर ये कोई ऐसा मछली का चिन्ह बनेगा, या यहाँ पर आगे जाके कोई चिन्ह फॉर्मेशन, त्रिशूल नुमा या कोई और चिन्ह फॉर्मेशन ये ले सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी मछली का चिन्ह है, थोड़ा लाइट है ये, एक तो ओल्ड एज लग्जूरियस बहुत अच्छी बनाता है। ये देखिए यहाँ से ये एक ये लाइन निकली, ये पिक्चर में थोड़ा क्लियर कम है, ये इस तरह से बन रहा है ये। अब यहाँ पर देखें तो ये एक, ये देखिए लूप, ये लूप ऑफ सीरियसनेस है। ये क्या होता है, जब भी लूप ऑफ सीरियसनेस हाथ में होता है, अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम में लापरवाही पसंद नहीं करते, और ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को बैठने देते हैं, अपना काम तरीके से टाइम पे करना, कायदे से करना, इस तरह की चीज़ें, अपने वर्क के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होना, वर्क के समय जैसा होता है ना, काम के समय कोई हंसी मजाक नहीं, फालतू बात नहीं, इस तरह के लोग होते हैं। अब चलते हैं सूर्य के माउंट पर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ सूर्य की बात, थोड़ा सा दबा हल्का सा, तो देखिए कई बार होता है कि पिता से दूरी, पिता से मतभेद, या आँखों का चश्मा, इस तरह की चीज़ें, जो कि इस उम्र में एक नॉर्मल चीज़ है 39 ईयर्स की एज में। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अच्छा खासा इनहेरिटेंस का योग भी है, यहाँ से एक ये रेखा ये इस तरह से निकल रही है, ये देखिए 40 के अराउंड अच्छी नेम फेम मिलना। और यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर लूँ, इस तरह से, और एक रेखा यहाँ से आके ये जुड़ रही है, एक ये भाग्य रेखा में जुड़ रही है, ये देरी से सक्सेस करा रही है। और देखिए यहाँ से भी एक रेखा, धीरे धीरे बुध रेखा, हालांकि ये रेखा थोड़ी सी, मैं इसके बारे में अभी बताती हूँ, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम है, ये तीनों रेखा इस तरह से त्रिशूल नुमा निशान बना रही है, ये अच्छा खासा नेम फेम सक्सेस दिलाती हैं, परंतु देर से, ये जिस तरह से हैं ये थोड़ा सा स्मूथ कम है, और ये देर से शुरू हो रही हैं, तो ये नेम फेम सक्सेस दिलाती हैं लेकिन देरी से, इनके आगे का जो समय है वो काफ़ी बढ़िया है, वो बहुत आगे ले जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्मेशन भी है, ये तो ये कोई अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी, यहाँ पे 45 के आसपास बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदने का योग है, अगर मैं देखूँ तो 43 और 45 के बीच में, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी खासी दिख रही है। और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर कोई नेगेटिव रेखा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए लूप ऑफ ह्यूमर है, हंसी मजाक के शौकीन, जॉली नेचर्ड, और कहना चाहिए कि कहीं जाते होंगे तो एक अच्छा बोलचाल का माहौल बनाना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर देखूँ अगर मैं बुद्ध पर्वत को, बुद्ध पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, जब भी बुद्ध पर्वत थोड़ा सा दबा होता है, एकदम बहुत स्ट्रेंथ नहीं ले रहा, तो कई बार इंसान को बातें पीनी पड़ जाती हैं। कई बार होता है कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं सामने वाले से, लेकिन आप थोड़ा मान सम्मान के कारण चुप लगाना पड़ता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा होता है, या किसी की कोई बात है आपको बुरी लग गई फिर भी आप कहते हो नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह के चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है। संभल के बोलना, कम शब्दों में बोलना, शांत व्यवहार रखना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब इनके हाथ में चलते हैं मंगल पर्वत की ओर। देखें मंगल का पर्वत क्या बताता है। अब देखिए मंगल पर्वत, ये देखिए, ये बाहरी मंगल इनका मीडियम है। बाहरी मंगल मीडियम होने के कारण देखने में बिल्कुल सिंपल लगते हैं ऐसे लोग। ज़्यादा शान शौकत में या ज़्यादा अपनी, जब तक जैसे कहते हैं शांत स्वभाव के ऊपर से रखते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो जब भी इतना फ्लफ़ी होता है अंदरूनी मंगल, तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बोल्ड होते हैं। बाहर से देखने में सिंपल लगेंगे बिल्कुल ये लोग। और ये देखिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अंदर से बहुत बोल्ड होते हैं। आप इनके मन में क्या चल रहा है, ऊपर से लगेगा बिल्कुल शांत बैठे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंदर की बात करें तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, अंदर बहुत सारी थिंकिंग, बहुत सारे थाट्स चल रहे होते हैं। ऐसे लोग गुस्सा बहुत पीते हैं। ये जो अंदरूनी मंगल इतना फ्लफी है, अंदर ही अंदर इनके गुस्सा जो होता होगा ना, वो सब पी जाते होंगे। दूसरे को शो नहीं करते हैं ऐसे लोग अपने गुस्सा। ऐसे लोगों के अंदर खास बात होती है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, मनी मन में रख लेंगे, लेकिन शो नहीं करेंगे, उस चीज़ को बाहर नहीं निकालेंगे। तो पर अपने गुस्से को कंट्रोल करते कर लेते हैं ऐसे लोग। यहाँ पर देखिए चंद्रमा अच्छा खासा है, चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा फ्लफी है। तो जब भी चंद्रमा फ्लफी होता है तो इंसान इमोशनल भी काफ़ी होता है, काफ़ी इमोशनल होता है। दूसरों की फीलिंग इमोशंस का ध्यान रखना, जल्दी सेंटिमेंटल हो जाना। कई बार होता है कि आप किसी का दुख दर्द देखा तो खुद भी आपकी आंखें एकदम नम हो जाती हैं, आपको लगता है कि भाई ठीक है, दूसरे का दुख दर्द देखते देखते आप खुद भी आंखें गीली हो जाती हैं। कई बार होता है आप टीवी पे कोई सीन देख रहे हैं, पिक्चर मूवी देख रहे हैं, तो आप खुद भी सेंटिमेंटल हो जाते हैं। दूसरे का दुख ऐसा लगता है कि आप ही का दुख बन गया, इतने आप इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ से भाग्य रेखा का निकलना ये बताता है चंद्र पर्वत से कि या तो इंसान किसी ऐसी जगह अपने, देखिए जीवन रेखा से दूर है तो घर परिवार से दूर रह के काम करना, अपने जन्म स्थान से, अपने बर्थ प्लेस से दूर रह के काम करना, या फिर ऐसी जगह काम करना है जहाँ से फॉरेन कंट्री से लाभ आना या लेडीज़ से लाभ मिलना, इस तरह की चीज़ें होती है। कोई सी भी इनमें से कोई चीज़ होती है, या यात्राएं करके, या होता है कि आपका ट्रैवलिंग काफ़ी हो जाना, तो इस तरह से दूर रह के कमाना पैसा। और होता क्या है, लेडी सपोर्ट, जैसे वाइफ का हो, चाहे मदर का हो, बहन का हो, ये सब सपोर्ट्स जीवन में ज़्यादा बनते हैं जब चंद्रमा से भाग्य रेखा निकलती है। तो अब इनके हाथ में ये चीज़ जो है मेन चीज़ मैं दिखाती हूँ, मैंने क्या देखा, ये उल्टी मछली का चिन्ह। ये जब भी उल्टी मछली का चिन्ह बनता है, मछली का चिन्ह नीचे की मुँह नीचे ही ओर होता है, इंसान के जीवन में जो सक्सेस आती है वो हमेशा 35-40 के बाद आती है। 40 ऐसा लगता है उससे पहले तक तो कि बस चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं मेरे साथ के, आगे निकल गए सब, मैं कैसे करूं। लेकिन ये जैसे ही ये समय क्रॉस होता है इनका, 39-40 क्रॉस होने लगता है, जीवन की गाड़ी एकदम तेज़ी से भागती है। बहुत बढ़िया फल इनको जीवन में मिलने लगते हैं। वही हमने इनकी भाग्य रेखा पर भी देखा था, यही चीज़ भाग्य रेखा पर भी देखी। अब इनके आते हैं शुक्र पर्वत की ओर। अरे केतु के ऊपर फिश है तो अनएक्सपेक्टेड गेंस भी कराती है, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड गेंस। यह शुक्र पर्वत अच्छा खासा है। जब शुक्र पर्वत इतना बढ़िया हो तो इंसान, ये कहना चाहिए, लाइफ में देखिए अच्छा खान पीन, अच्छा पहनना ओढ़ने का शौकीन भी होता है, खर्च करने का शौकीन होता है, शॉपिंग करने का, और ख़ास तौर से होता क्या है कि डांस, म्यूज़िक, पार्टी करना, ये सब इनके शौक़ होते हैं। एक से एक अच्छा कपड़ा पहन लें, एक से एक अच्छी महंगे गाड़ी, महंगे मोबाइल, ये सब चीज़ें भी लुभाती हैं कई बार इन लोगों को। इनके अंदर एक थोड़ा सा डिज़ायर होती है कि अगर मेरे पास और पैसा आ जाए तो मैं अपने लिए पता नहीं क्या कर दूँ, इस तरह की इनके अंदर फील होती है कि मेरे को पैसा आ जाए किसी तरह से तो मैं अपनी पता नहीं कौन कौन सी इच्छाएँ पूरी कर दूँ, अपने परिवार की इच्छाएँ पूरी कर दूँ, ये सब फीलिंग इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर भी लाइफ इनकी लग्जरियस रहती है, एक से एक अच्छे जीवन के सुख सुविधा के साधन इनके पास देखे जाते हैं। अब ये तो हमने इनके राइट हैंड में ये सब चीज़ें देखी जो कि काफ़ी बढ़िया है। और एक चीज़ मैं और बताऊँगी, देखिए यहाँ पर ये मेरे को एक ये मुझे कोई बचपन का इवेंट दिखता है 20 वर्ष के आसपास, जिसने इनको काफ़ी तकलीफ़ दी होगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी। ये कोई एक्सीडेंट है या कोई दिक्कत बड़ी, फैमिली प्रॉब्लम, ये बड़ी कट लगा रही है, देखा ये इस तरह की, ये मुझे लगता है 18 से 20 वर्ष के आसपास दिक्कत देके गई होगी, और यहाँ पर माइंड लाइन भी डिस्टर्ब हुई है इस वजह से, तो ये थोड़ा सा दिक्कत मुझे दिखा रही है। और एक ये रेखा यहाँ से आई थी, तो मुझे लगता है कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी का बेनिफिट भी
मुझे दिखता है इसका, ये छोटा सा पोर्शन ये यहाँ मंगल की तरफ जा रहा है, तो ये हो सकता है आगे कोई इनका अगर पैसा कहीं फंसा है या कोई प्लॉट वगैरह की अगर पैसा उम्मीद कर रहे हैं ये, तो ये आगे 46 के आसपास मुझे बेनिफिट दिखता है। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड की ओर, देखें लेफ्ट हैंड में क्या मिला हमें। अब देखिए हाथ में अगर मैं देखूँ तो सेम गुरु पर्वत इसी तरह का है जैसा राइट हैंड में था, फ्लैट है और थोड़ा सा बड़ा है। यानी कि जीवन में थोड़ा सा होता क्या है कि जब आप किसी के लिए अच्छा काम करते हैं तो उसके बदले तारीफ ना मिलना, थोड़ा सा जो है सबसे एक वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, परंतु फिर भी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ऐसे पर्सन जिनका गुरु बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखिए तो ये भाग्य रेखा अच्छी खासी यहाँ एंड हो रही है शनि पर्वत पर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखें तो सूर्य रेखा इस तरह से चल रही है और इनहेरिटेंस के योग भी बन रहे हैं इस तरह से, पिता का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बुध पर्वत अच्छा खासा है, यहाँ पर ये बुध पर्वत पे छोटी छोटी लाइंस हैं, क्रीजेज हैं, ये दूसरे से अच्छे से व्यवहार दिखाना, अच्छे से बोलना चालना और दूसरों को अच्छी बात समझाना, ये सब चीज़ें इनके हाथ में बहुत अच्छी दिख रही हैं। यहाँ पर भी ये एपेक्स का चिन्ह है, यहाँ पर भी ये डूब का चिन्ह है जैसे हमने राइट हैंड में देखा था, तो समझदारी से काम करना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी लूप का चिन्ह है, ये देखिए ये, तो ये सबसे व्यवहार बना के रखना है इस तरह की चीज़ें। और ये एक इतना बड़ा इनका ये स्क्वायर है, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी का योग भी इनके हाथ में दिखता है, बड़ा मकान, बड़ी प्रॉपर्टी इस तरह से। मंगल पर्वत अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी भारी मंगल इनका मीडियम है, यानी कि ऊपरी दिखावा ऊपरी से बिल्कुल सिंपल रहते हैं, अंदरूनी मंगल काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कि हिम्मत और साहस इनके अंदर बहुत है। चंद्रमा अगेन काफ़ी हैवी है इनका यहाँ पर, तो इमोशनल नेचर दर्शाता है। या और ऐसे लोग होता है कि अपने घर की लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, जैसे बहन होती हैं, बहनें कजन्स में भी होंगी तो लगाव बहुत रखना, माता से लगाव रखना, बेटी हो तो बेटी से लगाव रखना, ये सब चीज़ें बहुत देखी जाती हैं। ये देखिए अगेन चंद्र पर्वत से रेखा का निकलना, तो ये सब लेडी लक इनके लिए काफ़ी काम करता है। या हो सकता है कई बार MNC में से बेनिफिट मिलना, विदेशी कंपनी से बेनिफिट मिलना जीवन में, ये सब चीज़ें भी होती हैं, ऑनलाइन वर्क से बेनिफिट मिलना, कंप्यूटर क्षेत्र से बेनिफिट मिलना, इस तरह की चीज़ें कोई भी जो है वो चंद्र पर्वत से निकलने पर हेल्प करती हैं। यहाँ पर देखें अगर हाथ में देखिए शुक्र पर्वत यहाँ भी अच्छा खासा है और लाइफ को अच्छी लग्जरियस भी बनाता है, उस हाथ में लेकिन शुक्र पर्वत ज़्यादा बेटर था। यहाँ पर अगर मैं लाइफ लाइन की बात करूँ, ये देखिए इस तरह से चल रही है ये, यहाँ पर समय समय पे छोटी छोटी रेखाओं ने डिस्टर्ब किया, ये देखिए ये यहाँ पर खास तौर से 36-37 के आसपास दिक्कत बड़ी बनना ये चीज़, लेकिन जैसे जैसे उम्र आ रही है रेखा साफ होती जा रही है, एकदम साफ स्वच्छ होती जा रही है यहाँ पर रेखा। और एक चीज़ और बताएंगे, ये देखिए ये रेखा अच्छी खासी साफ स्वच्छ बनती जा रही है। अब देखिए यहाँ पर हाथ में रेखा छोटी है, राइट हैंड में पूरी बड़ी बनी हुई है, तो हम राइट हैंड की रेखा को लेकर चलेंगे क्योंकि राइट हैंड मेन वर्किंग हैंड है। अगर किसी एक हाथ में रेखा छोटी भी हो, लेफ्ट हैंड में छोटी हो लेकिन राइट हैंड में पूरी हो, तो रेखा पूरी वाली माननी चाहिए, राइट हैंड वाली माननी चाहिए, उसी का इम्पैक्ट जीवन में ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पर देखें तो भाग्य रेखा इस तरह से चली, फिर यहाँ से दूसरी तरफ से शुरू हो गई, अपना कमाना शुरू कर लिया इन्होंने, अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ो के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और यहाँ पर भी देखूँ अगर मैं तो मस्तिष्क रेखा शुरू में काफ़ी दिक्कत वाली है, काफ़ी टेंशन, दिक्कत, परेशानी, मेंटल स्ट्रेस, ये सब दिख रहा है। ये देखिए कट्स भी हैं कई बार, ये इस तरह के, कि जैसे होता है ना अर्ली एज में 20 से लेके 27-28 तक दिक्कतें देखना, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है 35-37 के बाद से और साफ सुथरी रेखा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते जाना। भाग्य रेखा है तो वो भी सपोर्ट कर रही है, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ पहले थोड़ी दिक्कत भरी थी, पहले रेखा में देखिए रेडनेस है, लेकिन अर्ली इनको 20s में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा, बहुत इन्होंने अपनी मेहनत से एक एक तिनका जोड़ के बनाया होगा, लेकिन जैसे ही ये देखिए 39 क्रॉस कर रहे हैं आगे एकदम स्वच्छ साफ रेखा, एकदम स्मूथ रेखा, फिर 52-53 में फिर कोई बेनिफिट, कुछ आगे बढ़ोतरी, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता देते हैं और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद बनाते हैं।
इनका लेफ्ट हैंड भी अच्छा है, राइट हैंड भी अच्छा है। राइट हैंड में हमने उल्टी मछली का चिन्ह देखा जो कि नीचे की ओर देख रहा था। तो अब इनके लाइफ में काफ़ी बढ़िया पीरियड जो आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। आग के नीचे अब शुरुआत हो चुकी है तो इनको इस साल से काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और आगे लाइफ लॉन्ग तक मिलते रहेंगे। एक तरह से जो इनका पिछला समय था, जो इन्होंने जो भी स्ट्रगल किया, मेहनत की, उन सब के रिजल्ट्स इनको जीवन में हम आगे और बढ़ बढ़ के निकलेंगे। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा हैंड है, गिविंग प्रॉमिसिंग हैंड है, जीवन में खूब बढ़ोतरी आगे करवाएगा। तो इनको मेरा यही सजेशन है कि अपने समय को यूज़ करें, जिससे कि अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ रही हैं उनसे आपको खूब धन कमाने का मौका मिले। स्वास्थ्य का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना होगा कि टाइम टू टाइम जो ट्रीटमेंट है वो करवाते रहें, जिससे कि बीमारी दूर हो जाए, बीमारी जो इनकी जो कहना चाहिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये चीज़ मुझे दिखती है, करियर ग्रोथ बढ़िया रहेगी। फाइनेंशियल जो इन्होंने पूछा कि मिलियनेयर योग है क्या, बिल्कुल है, इनके हाथ में मिलियनेयर से भी और आगे जाएंगे। अभी जीवन में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इनके, तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई पड़ती हैं। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो ये देखिए एक रेखा मुझे अभी चलते चलते दिखी, ये कहीं ना मंगल पर्वत की ओर जा रही है। कोई प्रॉपर्टी से ये बड़ा योग दिखता है मुझे, कोई प्रॉपर्टी से बेनिफिट मुझे दिखाई पड़ता है। तो ये जीवन में हो सकता है प्रॉपर्टी से कोई बड़ा योग या बड़ा बेनिफिट, पैसा कमाने का अच्छा मौका इन्हें मिले। तो ये सब चीज़ें इनके हाथ में हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दुख परेशानी है वो दूर हो, इनकी स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, पैसे कमाने का पैसे के लिए कमाने के बहुत अच्छे अच्छे मौके आएँ, जीवन में खूब राइज करें, खूब सक्सेस मिले और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।